तो दोस्तों आज नॉटटॉक्स परिवार एक नया स्पीकर लेकर आए हैं। ये स्पीकर जो है आपका 2200 वॉट का स्पीकर है, 18 इंची पीडी मॉडल, अपना 5 इंची कॉइल का स्पीकर है, टुकड़ा मैग्नेट है इसके अंदर। तो ये स्पीकर जब लॉन्च हुआ तो सबसे पहले हमने ये जो स्पीकर भेजा, हमारे काफ़ी प्रिय मित्र हैं विक्की वैन जी, काफ़ी लोग उनको जानते भी हैं, काफ़ी लोग उनको फॉलो भी करते हैं, तो उनके के पास हमने ये स्पीकर रिव्यू करके भेजा। तो उन्होंने उस स्पीकर को रिव्यू किया और अपने कुछ कमेंट्स उस पर दिए, और आज वो वीडियो उन्होंने शूट करके यूट्यूब पर डाली है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं नॉटटॉक्स के चैनल पर भी और उनके ऑफिशियल चैनल पर। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं उनकी वीडियो, जिसको कि आप देख सकते हैं। हेलो गाइस, दिस इज विक्रम, और आज हम लोग एक नई कंपनी की बात करने वाले हैं जिनका कलर है लाल मगर स्पीकर है पीला। नॉटटॉक्स कंपनी की बात कर रहा हूं, नॉटटॉक्स जिनसे मैं एग्जीबिशन में मिला था, उनके साथ थोड़ी सी गुप्तगु की थी, और उनकी कॉन्वर्जेशन जो मेरे साथ हुई वो मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको एक स्पीकर दिखाने वाला हूँ जो कि है 18 इंच में 2200 वॉट का। जी आप ठीक समझ रहे हैं, ये वही स्पीकर है 18 इंच पीडी मॉडल में 2200 वॉट, येल्लो कलर की चेसी है, 5 इंच का वॉइस कॉइल इन आउट वाला और 280 का मैग्नेट 4 पीस वाला। ये एक ऐसे बजट में और ऐसा स्पीकर इन्होंने मुझे भेजा कि मैं इसे रेजिस्ट नहीं कर पाया और मुझे इसे रिव्यू करना पड़ा। हालांकि मैंने टाइम लगाया, एग्जीबिशन से अब तक लगभग 4 महीने का गैप हो चुका है, 4 महीने सक्सेसफुली ट्रायल के बाद जाके मैं आप लोगों के लिए ये स्पीकर रिव्यू करने वाला हूँ। हमने इस वाले स्पीकर को डुअल 18 की चेसी में डालने का इसीलिए सोचा क्योंकि लोग आजकल मांगते हैं पावर, मैसिव पावर की डिमांड करी जा रही है, और हमने इस पावर को इस कैबिनेट के अंदर पूरा सील करके रखा। इसको हमने डुअल 18 का LF कैबिनेट दिया जिसमें उल्टे स्पीकर फिट होते हैं। इसका रीज़न यह है कि पूरा प्रेशर जो ये खींचता है वो यहाँ से अंदर से लेके बाहर तक इसे दे सकता है और आपकी आवाज़ जो है घूम के आती है, इसीलिए इस वाली कैबिनेट को हॉर्न लोडेड कैबिनेट भी कहा जाता है। तो चलिए आज इसका मैं आपको प्राइस बताता हूं और वीडियो को करते हैं प्रारंभ। इसका प्राइस जो रहेगा डुअल 18 की कैबिनेट के साथ, ये लगभग 90,000 तक आपको पेयर मिल जाएगा। 90,000 में आपको 4 स्पीकर, 2 कैबिनेट, और वो भी मैं आपको ग्रिल दिखाता हूं, एक ग्रिल दे दे, ग्रिल भी मैं आपको दिखा रहा हूं। इसको हमने इंटरेस्टिंग वाला ग्रिल लगाया है जो कि आप अपनी चॉइस से भी ले सकते हैं, ये कस्टमाइज होते हैं। तो ग्रिल देखते हैं, इस टाइप का इसका कुछ ग्रिल आने वाला है। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बॉक्स पैकेजिंग हम लोग देख रहे हैं इसका, जिसमें 4 पट्टियां लगी है और कार्टून पैक्ड है। पैकेजिंग बहुत एवरेज दिया गया है स्पीकर का, सिंगल बॉक्स पैकेजिंग है, अंदर कैटलॉग ठूसे हुए हैं, थर्माकोल लगा रखा था, पॉलिथीन से कवर्ड ये स्पीकर बाहर निकलते ही अपने कलर से आंखों में लगता हुआ दिख रहा है। यहां से हम लोग इसका कंपनी का ब्रांड नेम देख सकते हैं, नॉटटॉक्स प्रो ऑडियो प्रेसिशन ट्रांसड्यूसर। 2200 वॉट का ये स्पीकर है, 8 ओम्स इंपीडेंस वाला, येलो कलर की चेसी में ये काफी ज्यादा फ्लैशी दिखता है, चमकदार दिखता है। पीछे से क्रोम प्लेटिंग जो है टीओक पे, उसके वजह से ये जल्दी ठंडा हो जाता है। 5 इंच का वॉइस कॉइल इन आउट वाला, 280 के मैग्नेट में ये काम करता है। इसकी कोन सबसे शानदार चीज मुझे जो लगी है, कोटेड वाली कोन है, पार्शियल वाटरप्रूफ है, और इसका एक्स मास जो है काफी बड़ा दिया गया है, यानी कि स्पीकर अपने एक्सट्रीम लेवल तक काम करने के लिए बिल्कुल फिट खड़ा है। 6 स्क्रूज पे ये फिट होने वाला दिया गया है ऑप्शन इसमें, और रिंग लगा रखी है कोन को ताकि कोन अलग से ना निकल आए। लीड वायर को शील्ड कर रखा है रेड और ब्लैक कलर में। डुअल स्पाइडर लगाया जाता है इस वाले स्पीकर को, और इसीलिए एक स्पाइडर को अलग से पट्टी लगा के उसे एलन की नट बोल्ट पे फिट किया जाता है। यहां से आप देख सकते हैं,
ये जो फिटिंग होती है इसको अलग से स्क्रूज इसलिए लगाया जाता है ताकि सॉल्यूशन जो होता है वो निकल भी आए तो स्क्रू अपनी जगह ना छोड़े, क्योंकि इसे एक मैसिव एम्पलीफायर चलाने के लिए लगता है और जितना प्रेशर से ये कॉइल ऊपर आता है उतना प्रेशर से ये नीचे भी जाएगा, तो किसी न किसी हाल में ये स्पाइडर को निकाल सकता है, इसीलिए इसे अलग से स्क्रू लगाए जाते हैं। इस स्पीकर का फ्रीक्वेंसी रेंज में मुझे एक चीज नोटिस हुई, 50 हर्ट्ज से लेके ये काम करता है 2 किलो हर्ट्ज तक, मतलब ये लो वाला पार्ट और लो मिड वाले पार्ट पे ज्यादा एम्फेसिस कराया गया है इसमें। इसमें वाइब्रेशन वाली फ्रीक्वेंसीज भी आपको मिल जाती है क्योंकि 50 हर्ट्ज से तो वही वाली फ्रीक्वेंसीज आपको मिलती है। स्पीकर का वेट काफी हो जाता है, सबसे बड़ा जो इफेक्ट आज के डेट में चीजों पे पड़ रहा है वो है वेट का, क्योंकि उठाने हमें ही होते हैं तो हम लोग वेट को नोटिस कर लेते हैं, और जब ये डुअल 18 में फिट होता है तो ये काफी ज्यादा बल्कि हैवी हो जाता है। इसका स्पीकर और स्पाइडर के बीच में सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, इसे मजबूती से फिट किया गया है। मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए ही ये स्पीकर काम करता है। आइए अब इसे फिट कर लेते हैं हम लोग कैबिनेट में। डुअल 18 की कैबिनेट हमने जो चूज करी है वो कुछ इस टाइप के डिजाइन की है, जहां पे हम लोग स्पीकर को एक्चुअली एलंकी नट बोल्ट से फिट करने वाले हैं। स्पेसिफिकेशन में ऊपर लिख देता हूं ताकि आप लोग पढ़ते हुए फिटिंग को इंजॉय कर सके। इसका वायरिंग हम लोग पैरेलल करने वाले हैं, यानी कि 4 ओम्स पे ये कैबिनेट आपका काम करने वाला है। वीडियो के एंड में मैं आपको नॉटरॉक्स के काउंटर पे लेके चलूंगा जो कि मैंने एग्जीबिशन में रिकॉर्ड किया था, उनसे कई सारे प्रोडक्ट मैंने देखे, उसका भी डिस्प्ले मैं आपको इस वीडियो के एंड में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आप लोग इनके बाकी सारे प्रोडक्ट्स को भी देख सकेंगे। स्पेशल अट्रैक्शन के लिए मैं आपको बताऊंगा कि डीजे के लाइट्स भी कई सारे नॉटरॉक्स के अंडर आते हैं और उन लाइट का डेमो वहां पे आप देख सकते हैं लाइव। देखिए इस स्पीकर के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूं तो क्या है, मार्केट में कई सारे पीडी वाले मॉडल चल रहे हैं, उनमें से ये भी एक है, लेकिन बात आती है जब वोल्टेज की तो ये 2200 वॉट होता है, मतलब ये 2000 वॉट से ऊपर है, 200 वॉट एक्स्ट्रा आपको आउटपुट बेनिफिट में मिल रहा है। और दूसरा है कि प्राइसिंग, ये एक इकोनॉमिक प्राइस रेंज में है जिसके स्पेयर पार्ट्स आपको इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। 280 का 4 पीस वाला मैग्नेट उतना ही प्रेशर जनरेट करता है जितना 2000 वॉट करता है, सब्जेक्ट टू इसमें क्या है कॉइल का वेरिएशन करा जाता है। इन आउट का वॉइस कॉइल होता है और इसका क्रोम प्लेटिंग वाला जो टी यॉक है वो हीट सिंक का काम करता है, तो जो भी हीट ये जनरेट करेगा इस टी यॉक के थ्रू ये बाहर निकाल दी जाएगी। दूसरा, इसका कोन जो है वो रगेड सॉलिड दिया हुआ है ताकि आपका स्पीकर बहुत ज़्यादा जम करने के बाद भी कोन में फटने या टूटने का या कटने का प्रॉब्लम ना आए। लीड वायर को जो है प्रॉपरली शील्ड किया गया है और रेड और ब्लैक टर्मिनल दिए गए ताकि आप लोग इसका प्लस और माइनस को इजीली समझ सके। 8 ओम्स का ये स्पीकर है, हमने इसे पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है, यानी 4400 वॉट का एक कैबिनेट बन गया है और हम 2 कैबिनेट यूज करने वाले हैं। 9000 वॉट के एम्पलीफायर पे हम इसको चलाने वाले हैं। आप लोग हेडफोन लगाइए ताकि नवरात्रि के ये जो सॉन्ग्स है जो हम डांडिया खेलते हुए बजाने वाले हैं वो आप लोग सुन के एंजॉय कर सकें।
सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है इस टाइप की कैबिनेट का वो ये होता है कि स्पीकर जितना प्रेशर से एयर खींचेगा उतना प्रेशर से ये यहाँ से अंदर ढकेलेगा और उतना ही प्रेशर से इसका कोन जो है वो ऊपर जाएगा। कोन ऊपर जाने से ये आवाज़ जो है इस लाइन में निकलेगी और वहाँ से घूमती हुई एक हॉर्न बन जा रहा है। यहाँ से आप देखेंगे एक हॉर्न टाइप का बन जा रहा है, उससे ये आवाज़ आपको बाहर आएगी, यानी घूम के आपकी आवाज़ निकलती है, जिससे आवाज़ में एक क्या एम्प्लीफिकेशन डेवलप हो जाता है, जिससे आवाज़ आपको ज़्यादा तीव्र सुनाई आने लग जाती है। तो वो इस स्पीकर के लिए इसीलिए इस टाइप का कैबिनेट मैं आपको रिकमेंड करूँगा। बाकी स्पीकर में आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, 5 इंच के वॉइस कॉइल में एक इकोनॉमिक रेंज में अच्छा स्पीकर है। आपको अगर पावरफुल एम्पलीफायर देंगे तो इसका रिजल्ट आपको उतना ही पावरफुल दिखने वाला है, मतलब CA20 वगैरह से ऊपर का एम्पलीफायर आपको इस पर देना होगा क्योंकि ये उससे ज़्यादा आउटपुट मांगता है। हाँ, बशर्ते यह है कि आपको साथ में साथ लाइनर या टॉप उसको देने होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रांग बजेगा, पंच वगैरह अच्छी देगा तो आपके टॉप शायद कम भी पड़ेंगे, तो इसलिए आपको इसके साथ लाइन एरे भी लगाना ज़रूरी होता है। एक 90,000 की प्राइस रेंज में ये वाला जो बेस बन रहा है काफ़ी अच्छा प्राइस पॉइंट पे ही आपको मिल रहा है, तो आप लोग ले सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आज की टेस्टिंग, क्योंकि नवरात्रि वाली थी और नवरात्रि के दिन चल रहे हैं तो इसीलिए इन गानों पर टेस्ट किया गया है, और एक्चुअली इसे टेस्टिंग जो है हमने वहाँ पर काफ़ी देर किया था, लगभग 2 रातों तक तो हमने चलने दिया इसे, और इसके पहले भी कई सारे कस्टमर्स को दिया हुआ है, इसीलिए फुल सेटिस्फेक्शन के बाद ही मैं आप तक ये वीडियो ला रहा हूँ। जल्दबाजी करना मुझे नहीं लगता है कि ठीक होता है अपनी लाइन में, इसीलिए तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पे ज़रूर बने रहिए। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू गाइस।
तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा ये वीडियो उनके चैनल पे, कितना ब्रीफ उन्होंने उसको रिव्यू किया, कैसे उन्होंने टेस्टिंग करी, कैसे उन्होंने उस चीज़ को आपके सामने लेकर आए। तो इस स्पीकर को लेने के लिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आप अपने डीलर्स के पास भी जा सकते हैं, उनके मीडियम से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और हमसे भी डायरेक्ट ले सकते हैं। तो इसी तरीके से नॉटरॉक्स की और चीज़ों के लिए आप नॉटरॉक्स का ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो जल्दी हम आपको मिलेंगे कुछ नए प्रोडक्ट्स और अच्छे आइटम्स के साथ। और आज इस वीडियो को हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।